अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पकोड़ा, और मुझे इसके लिए चाहिए, मैंने तकरीबन इसमें 5 जो हैं वो दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उनको उबाल लिए और मैश कर लिया है। और मैंने आपको पकोड़ा मसाला बनाना बताया था, वो मैंने बनाना 1/2 टेबल स्पून लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक लिया है, और 1 टीस्पून ही जो है वो लाल पीसी भी मिर्च लिया है। अब ये चीज़ें मैं आलू में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 स्लाइस जो हैं ब्रेड के लिए, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया, सैंडविच ब्रेड लिए, इस तरह से उसको मैंने पीसीस कर लिए। तो चलिए अब मैं आलू का मिक्सर बना लूँ। ये मैंने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखिए, मसाला मैंने सारा मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब ये जो मिक्सचर है इसको हमने ब्रेड में फिल करना है। आप लोग चाहें तो इसके किनारे उतार सकते हैं, लेकिन मैंने इसके किनारे नहीं उतारे। अब हम थोड़ा सा मसाला जो है वो इसके ऊपर रखेंगे, इसको मुंह तक भरना नहीं है क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करनी है, तो इसे थोड़ा सा ही बस रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने थोड़ा सा रखा, बस इसको अच्छे तरीके से जो है इस पर फैला देना, बहुत ज़्यादा नहीं कि बाहर आ रहा हो या बहुत ज़्यादा ऊपर तक हो, बस इतना सा भर के। तो हमने इसके साथ दूसरा स्लाइस जो है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। इस तरह हम सारी जो अपने ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ब्रेड है उसको रेडी कर लेंगे, और फिर मैं उसके बाद आपको इसकी कोटिंग बताती हूँ। जी, मैंने रेडी कर लिए हैं सारे। अच्छा, जब आप लोग इनको बना लें तो आपको हाथ से ना इनको थोड़ा सा प्रेस भी कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा उठे हुए ना हो, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करनी है तो इस तरह ही खुल सकते हैं, ठीक है। इसे हाथ से नहीं, प्रेस कर दीजिएगा, जब बना के रखें उसको एक हाथ से इस तरह प्रेस करें। अच्छा, अब इसके कोटिंग के लिए मैंने तकरीबन लिया है 1 कप बेसन लिया है, और मैंने इसमें 1/2 चाय का चम्मच जो है वो नमक लिया है, 1/2 टीस्पून जो है इसमें लाल पीसी भी मिर्च है, और सूखा धनिया जो है पिसा हुआ वो इसमें 1/2 टीस्पून है, और तकरीबन 2 चुटकी जो है मैंने इसमें मीठा सोडा लिया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको हम अच्छे से, जैसे हम पकोड़ों के लिए एक बैटर बनाते हैं उस तरह हम इसमें पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाऊंगी मैं। ये मैंने इसको अच्छे से इससे जो है पहले ड्राई जो चीज़ें उनको मिक्स कर लिया, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसको गाढ़ा रख लें, फिर जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डालते जाएँ। ये मैंने इसको सारा मिक्स कर लिया अच्छे से। ये देखिए, ये इस तरह होना चाहिए गाढ़ा, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं, कि आप अच्छे तरीके से इसमें ब्रेड जो है उसको डिप कर सकें, ठीक है जी। ये हो गया, अब ऑयल रखते हैं सबसे पहले डीप फ्राई के लिए, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। चलें जी, अब हमने ब्रेड पकौड़ा जो है ये मैंने बैटर जो बनाया है इसके अंदर एक दफ़ा उसको साइडों से अच्छे से कवर करके, पैन में डाल दिया। इस तब हम सारे जो है इसको कोट करके पैन में डालते जाएंगे। ये देखिए जी, मीडियम पे मैंने रखा था, अब ये फ्राई हो रहे हैं, मैं फिर इसको जब फ्राई हो जाते हैं तो मैं आपको फिर इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, ब्रेड पकौड़ा जो है हम लोगों के रेडी हो गए, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे बने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।